क्या हाल है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये गोदरेज का सिंगल डोर फ्रिज है 165 लीटर का, और इसमें दिक्कत ये है कि इसका कंप्रेसर नहीं वर्क कर रहा है। बाकी फ्रीजर सही लग रहा है, फ्रीजर में कोई चक्कू वगैरह नहीं मार रखा है, फ्रीजर बिल्कुल ठीक है। इसका क्या है कि कंप्रेसर नहीं वर्क कर रहा है, तो हमने इसका अभी चेक करेंगे, इसमें कंप्रेसर की दिक्कत है। और कंप्रेसर भी हम लेके आए हैं और साथ में ट्रे भी लेके आए हैं जो कंप्रेसर के ऊपर लगती है। तो इसमें जो पहले कंप्रेसर लग रहा है वो गोदरेज का लग रहा है, तो यहाँ लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कंप्रेसर लाए हैं। तो आप कंप्रेसर इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे, साथ में इसका जो कंडेंसर लगा हुआ है वो ओपन लगा हुआ है, और साथ में इसका जो कंप्रेसर है इसको निकालेंगे, दूसरा कंप्रेसर चेंज करेंगे, साथ में फिल्टर भी चेंज करेंगे। और वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कैसे काम होएगा वो आपको दिखाएंगे कि कंप्रेसर कैसे लगता है और लगाने के तरीके क्या है। अब और बाकी जो चीज़ें हैं, वीडियो बने रहे, वीडियो को लास्ट देखिए, वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही खास होने वाला है वीडियो। तो बहुत फटाफट सारे काम करेंगे, कंप्रेसर लगाएंगे और फिल्टर लगाएंगे, गैस चार्ज करेंगे, कैसे गैस चार्ज होती है तो आज वीडियो दिखाएंगे, बने रहे वीडियो में। ये चार्जिंग लाइन पाइप है, तो ये गैस चार्ज जिससे करते हैं वो वाला पाइप ब्रेकिंग कर रहे हैं, और इसके पीछे वाला है वो डिस्चार्ज पाइप है। ये हम फिल्टर चेंज कर रहे हैं, कभी भी अगर फ्रिज में कभी भी अगर कंप्रेसर चेंज करें या गैस डालें तो फिल्टर ज़रूर चेंज करें। इससे क्या होता है, कंप्रेसर की लाइफ रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि एल्युमिनियम की पाइप होती है तब भी फिल्टर नहीं चेंज करते, लेकिन मेरी आदत है अगर फ्रिज में कभी भी अगर कोई काम कर रहे हो, अगर गैस वगैरह का काम है, तो फिल्टर ज़रूर चेंज करें। ये सेक्शन वाला पाइप जोड़ रहे हैं, अब इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करेंगे कम से कम नहीं तो 25 मिनट 20 मिनट वैक्यूम करेंगे, अच्छी तरीके से वैक्यूम करके उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। इसमें जो गैस डलती है वो R134 डलती है। फ्रिज में गैस चार्ज हो गई है और फर्स्ट क्लास कूलिंग आ गई है, रिटर्न भी फर्स्ट क्लास आ रही है और कूलिंग फर्स्ट क्लास आ रही है, एम्पेयर भी 0.0 ले रहा है। तो अब हम चेक करेंगे इसकी कूलिंग। तो सबसे पहले हम पाइप को बंद करेंगे, गैस चार्जिंग वाले पाइप को बंद करेंगे।
बढ़िया तरीके से फिटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ट्रे। ट्रे लगा दी है, अब हम आपको चेक कराएंगे इसकी कूलिंग कैसे हुई है। तो हमें बताना कमेंट करके कूलिंग कैसे हुई है और फसल, क्योंकि लाइट यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है, तो जनरेटर से काम चल रहा है, क्योंकि आंधी आई है जब से लाइट ही नहीं आई है। तो जनरेटर से काम किया है तो बहुत ही फास्ट काम करना पड़ा है, तो ज़रूर वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करना।